जन्माष्टमी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोर्ट ने 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दही हांडी न लगाने का आदेश दिया था, लेकिन मुंबई में कई जगहों पर गोविंदाओं ने काले झंडे दिखाते हुए 49 फीट तक दही हांडी बांधी। ठाणे के भागवती स्कूल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दही हांडी का आयोजन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए 42 फीट पर दही हांडी बांधी गई। कई जगहों पर 49 फीट पर दही हांडी भी बांधी गई तो कहीं काले झंडे लेकर गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ी। मुंबई के दादर इलाके में अनोखे ढंग से कोर्ट के फैसले का विरोध देखा गया। स्थानीय गोविंदाओं ने सड़क पर लेटकर मानव पिरामिड का निर्माण किया। राज ठाकरे की पार्टी नवनिर्माण सेना ने तो सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों को ताक पर रख दिया। पार्टी ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी लगाने का ऐलान किया और साथ ही गोविंदा मंडल को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी। पिछले दिनों ही दही हांडी के आयोजकों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया था, जिसमें दही हांडी में 18 साल से कम उम्र के बच्चे का भाग नहीं लेने और मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट निर्धारित की गई थी। प्रशासन की माने तो जहां भी आदेश का पालन नहीं हुआ वहां आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरेआम विरोध करना बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीका है। देखते रहिए डीबी लाइव।